नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आइए देखते हैं आज की बड़ी टॉप 10 खबरें। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज पीसी करेगी। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में आगामी चुनावों की तारीख आज सामने आ जाएगी। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के लिए दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग की टीम ने इन तीनों राज्यों का दौरा किया था, जिसके बाद यह अंदेशा लगने लगा था कि चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित की जा सकती हैं। नीतीश कुमार की नाक में दम करने वाले आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर एक्शन की तैयारी, पार्टी ने मांगा जवाब। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमला करे जा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने हाल ही में नीतीश कुमार को शिखंडी तक बता दिया। इतना ही नहीं, बिहार में शराब से हुई मौतों पर भी उन्होंने नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया है। अब राजद ने सुधाकर सिंह पर एक्शन की तैयारी कर ली है। दो करोड़ की रिश्वत मामले में एसीपी दिव्या मित्तल गिरफ्तार, बोली ड्रग माफिया को पकड़ने का मिला है यह नाम। एसीबी की जयपुर टीम ने एसओजी के एडिशनल एसीपी दिव्या मित्तल को अजमेर स्थित उनके निजी आवास पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की जांच में दिव्या मित्तल ने बार बार रिश्वत की राशि ऊपर तक जाने की बात कही है। अब एसीबी की टीम पता कर रही है कि ये रकम ऊपर कहाँ तक पहुँचती है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 2012 में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को बरी कर दिया है। फैजाबाद की स्थानीय अदालत ने सबूत के ना होने के कारण ये फैसला लिया है। इस मामले में सभी गवाह मुकर गए और पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही। सरकारी वकील रामकृष्ण तिवारी के मुताबिक फैजाबाद के जिला न्यायाधीश संजीव फौजदार की अदालत में आरोपियों की रिहाई का आदेश पारित किया गया है। बेंगलुरु में एक्सीडेंट के बाद शख्स को स्कूटी सवार ने घसीटा, खतरनाक वीडियो हो रहा है वायरल। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक व्यक्ति को रोड पर घसीटे जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये स्पष्ट नहीं है। इस मामले में पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित को अस्पताल तक पहुँचाया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आया तेंदुआ तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसी गाड़ी की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। क्षेत्रीय वन अधिकारी लटूर सिंह की टीम मौके पर पहुंची, तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया। बुधवार को तेंदुए का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दिल्ली में एक और किन्नर की हत्या, रजौरी गार्डन की वारदात, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी चौकसी के बीच अपराधियों ने एक और किन्नर की हत्या कर दी। घटना रजौरी गार्डन थाना क्षेत्र की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के सोनीपत निवासी एक आरोपी को पकड़ा है। मृतक की पहचान रघुवीर नगर के सी ब्लॉक के निवासी साकिर हुसैन उर्फ बड़ा कल्लू के रूप में हुई है। जेईई के छात्रों ने हॉस्टल में लगाई फांसी, खुदकुशी के बढ़ते मामलों पर मानव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि छात्र एक माह से कोचिंग नहीं जा रहा था। वहीं परिजनों का कहना है कि जब उनका बच्चा कोचिंग क्लास में लगातार एब्सेंट था, उसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई। दिल्ली में शीतलहर और कोहरा ही नहीं, तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलों का भी अलर्ट। दिल्ली में शीतलहर के साथ गलन बढ़ी है तो वहीं पाला भी बढ़ रहा है। बसंत कुंज इलाके में पेड़ों के पत्तियों और झाड़ियों पर बर्फ की तरह सफेद परत जमी दिखाई दी। इस बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में ठंड के साथ बारिश और ओले पड़ने की भी संभावना व्यक्त की है। IMG के मुताबिक दिल्ली में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश होगी।
पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी सरकार को दी नसीहत। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार ने अपने एक लेख में कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का मसला छोड़ अपना घर संभालना चाहिए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, इसलिए उसे कश्मीर का मसला ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। लेख में भारत पाकिस्तान से जुड़ी कई ऐसी बातों का खुलासा भी किया गया है जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी।